दोस्तों नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर निकल के आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए हैं बागी और बीजेपी को लेकर दिया है विवादित बयान, अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। दोस्तों खबर क्या कुछ है, बस आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए जिससे कि पूरी जानकारी आप तक पहुंचे। दोस्तों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बागी तेवर देखे जा सकते हैं क्योंकि बीजेपी में उनकी कोई अहमियत नहीं है, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी नाराज हैं पार्टी से। लेकिन दोस्तों अब आपको बताते चलें, सिंधिया का इंस्टाग्राम आईडी हैक हो गया है, भाजपा के खिलाफ दिया भाषण पोस्ट किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको आगे बताते चलें खबर में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंस्टाग्राम आईडी हैक हो गया है और हैकर ने इंस्टाग्राम पर नाम बदलकर यहां पर बीजेपी के खिलाफ एक पोस्ट कर दिया, और यह पोस्ट किसी और का नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का था। आपको बताते चलें, कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी को लेकर भाषण दिया था और यह भाषण अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद लोग एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को ट्रोल करने लगे हैं। सिंधिया के साथ दोस्तों पहले भी ऐसा हो चुका है, उनकी फेसबुक आईडी हैक हो चुकी थी और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जो भाषण दिया था, हैकर ने वही वीडियो पोस्ट कर दिया, जिसके बाद लोग यहां पर सिंधिया को जमकर ट्रोल करने लगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर निकल के आ रही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही अगर आप HRI न्यूज पर नए हैं तो लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले पाने के लिए HRI न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए